प्यारे बच्चों आदाब। आज का जो हमारा उन्वान हमारा टॉपिक है वो है हमारा दूसरा हरूफ बुनियादी हरफ वाव का जोड़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं वाव का जोड़, यानी हरूफ तहजी के साथ हम वाव को कैसे जोड़ेंगे। तो शुरू करती हूँ मैं पहले हर्फ से। अलिफ से शुरू करते हैं। अलिफ जमा वाव, तो यहाँ तक आपको पता चल ही गया होगा कि अलिफ जो है शरारती नाव है, आदि शक्ल नहीं है, मुख्तसर सूरत नहीं है। अलिफ वापस आएगा और वाव इसके साथ अलग, इसके साथ नहीं जुड़ेगा, अलग रहेगा। दोनों शरारती नाव है इसलिए दोनों नहीं जुड़ेंगे। अब है दूसरा बे। बे जमा वाव, बे की आदि शक्ल। यहाँ से ध्यान रखना है आपको, वाव जो है यहाँ से शुरू करना है। ये हमने वाव लिखा, बे वाव बो। यहाँ वाव की जो आवाज़ है वो ओ की निकालनी है। याद रखिएगा बच्चों, वाव की कैसी आवाज़ निकालनी है? ओ। बे वाव बो, बे वाव बो। अब मैं पे लिखूंगी, पे जमा वाव। पे की आदि शक्ल ऐसे और वाव को जोड़िए, पे वाव पो, पे वाव पो। ते, ते जमा वाव, ते वाव तो। ध्यान दीजिएगा कैसे लिख रही हूं मैं और कैसे पढ़ रही हूं मैं। पढ़ने पे भी ध्यान दीजिएगा और लिखने पर भी। ते वाव तो, टे, टे जमा वाव। टे की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़िएगा, टे वाव टो। अब आया से, से जमा वाव, से वाव सो। अब उसके बाद आया जीम, जीम वाव जो। जीम की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़ा, जीम वाव जो। ये बन गया जीम वाव जो। अब है चीम, चीम जमा वाव। चीम की आदि शक्ल और वाव को इसी के साथ जोड़िए, चीम वाव चो, चीम वाव चो। हाय जमा वाव, हाय वाव हो, हाय वाव हो। उसके बाद खाय, खाय जमा वाव, खाय वाव खो, खाय वाव खो। अब यहाँ पे आप देखिएगा, दाल आया, दाल के साथ वाव को जोड़ना है। तो क्या हम दाल और वाव को एक साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दाल भी शरारती नाव है, वाव भी शरारती नाव है। दाल की मुख्तसर सूरत नहीं है, वाव की भी मुख्तसर सूरत नहीं है, इसलिए दोनों अलग अलग रहेंगे। दाल वाव दो। इसी के साथ दाल, दाल जमा वाव, दाल वाव दो। जाल जमा वाव, जाल वाव जो। उसके बाद आया रे, रे जमा वाव। चूंकि रे भी शरारती नाव है इसलिए रे को हम पूरा लिखेंगे और वाव को भी पूरा लिखेंगे, अलग अलग रहेंगे, रे वाव रो। उसके बाद आया डे, डे जमा वाव, डे वाव डो। जे, जे जमा वाव, जे वाव जो। जे, जे जमा वाव, जे वाव जो। उसके बाद आया सीन, सीन जमा वाव। सीन की चूंकि आदि शक्ल है, ध्यान से देखिए,
सीन को मैंने आधा लिखा और वाव के इसी के साथ जोड़ा, सीन वाव सो। फिर आया शीन, शीन वाव शो, ये शीन की आधी शक्ल, वाव को मैंने जोड़ा, शीन वाव शो, शीन वाव शो। अब आया स्वाद, स्वाद जमा वाव, स्वाद की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसके साथ जोड़िए, स्वाद वाव सो, स्वाद वाव सो। अब दूसरा, उसके बाद स्वाद के बाद जो हर्फ है वो है जौद, जौद जमा वाव, जौद की आधी शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़ा, जौद वाव जो, जौद वाव जो। मेरे साथ बार बार दोहराएगा ताकि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ जाए, जौद वाव जो। अब यहां तोय, तोय जमा वाव, तोय वाव तो, देखो यहां तोय जुड़ा, तोय के साथ मैंने वाव को भी जोड़ा, तोय वाव तो। फिर है जोय, जोय जमा वाव, जोय वाव जो। अब आया एन, एन जमा वाव, एन वाव आओ, एन वाव आओ। गैन, गैन जमा वाव, गैन वाव गो, गैन वाव गो। अब यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, गैन फे, फे का आया फे जमा वाव, फे की आदि शक्ल और वाव को ऐसे जोड़ा, फे वाव फो, फे वाव फो। काफ, काफ जमा वाव, काफ वाव को। अब आया कीफ, इससे पहले जो आपने अलिफ के साथ कीफ को जोड़ा वहां पे उसकी दूसरी शक्ल थी, दूसरी मुख्तसर सूरत थी कीफ की, लेकिन चूंकि हमें यहां पे वाव के साथ इसको जोड़ना है तो इसकी जो आदि शक्ल है वो इसकी ये वाली आदि शक्ल, यानी इसका आधा, ये मैंने इसका आधा लिखा और फिर वाव को जोड़ा, कीफ वाव को, कीफ वाव को। यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे देखिए मैंने कीफ की आदि शक्ल यहां कैसे लिखी है, क्योंकि ये मुझे अलिफ के साथ नहीं जोड़ना था, ये मुझे लाम के साथ नहीं जोड़ना था, ये मुझे वाव के साथ जोड़ना है। अलिफ और लाम के साथ ही कीफ की वो दूसरी शक्ल इस्तेमाल होती है, यहां पर कीफ की ये वाली शक्ल इस्तेमाल होगी। गाफ, गाफ जमा वाव, गाफ की आदि शक्ल वैसी ही जैसे ऊपर कीफ की थी, लगभग वैसे ही, गाफ वाव गो, गाफ वाव गो। अब है लाम, लाम जमा वाव, लाम का, लाम की आदि शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़िए, लाम वाव लो, लाम वाव लो। अब आया मीम, मीम जमा वाव, मीम की आदि शक्ल और वाव को मैंने जोड़ा, मीम वाव मो, मीम वाव मो। अब आया नून, नून जमा वाव, नून की आदि शक्ल ऐसे और वाव को इसी के साथ जोड़ा, नून वाव नौ, नून वाव नौ, नून वाव नौ। अब आया हे, हे जमा वाव, मैंने पहले ही आपको सिखाया है कि हे की जो है आदि शक्ल बदल जाती है, कैसी होती है एक हे की शक्ल ऐसे और इसी के साथ हम वाव को जोड़ेंगे, हे का आधा फिर नीचे छोटा सा कॉमा जैसा, ये है हे की आधी शक्ल, इसके साथ वाव को जोड़ो, हे वाव हो। अब छोटी के साथ वाव को जोड़ेंगे,
मैंने पहले बोला है ये की भी शक्ल बदल जाती है ऐसे, और इसके साथ वाव को जोड़ो, ये वाव यो, ये वाव यो। अब है बड़िए, बड़िए के साथ वाव को जोड़ेंगे तो ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम, यानी बिल्कुल एक ही जैसे होगा छोटिए का भी और बड़िए का भी, ये वाव यो, ये वाव यो। हे वाव हो, ये वाव यो, ये वाव यो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा वाव का जोड़ मुकम्मल होता है, और उम्मीद है कि आप बच्चों ने अच्छी तरह से इसको समझा होगा, ध्यान से देखा होगा, और ध्यान से आप इसको पढ़ेंगे और ज़हन नशीन करेंगे और इसकी रोज़ाना मश्क करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे मैं और एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगी। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि ये जो शरारती नाव हो, मैंने पहले ही बोला है कि इनका जोड़ पहले और दरमियान नहीं होता है, आखिर में ये जुड़ जाते हैं। अब इसका मतलब क्या है, आप इसको कैसे समझेंगे? मैं आपको इसका समझाऊंगी ये तरीका कि जैसे रे और जमा बे है, अब अगर हमें इनको जोड़ना है रे और बे को, क्योंकि पहले शरारती नव आ रहा है, रे शरारती नव है, इसलिए ये पहले नहीं जुड़ेगा, ये अलग रहेगा और बे भी अलग रहेगा, रे बे र, रे बे र। लेकिन अगर हमें पहले बे आ जाए और बाद में यानी आखिर में रे आ जाए, तो इस सूरत में रे जो है वो इसके साथ जुड़ेगा। कैसे जुड़ेगा? यानी बे की आधी शक्ल और रे इसके साथ जुड़ गया, बे रे बर, बे रे बर। इसी तरह एक और मिसाल हम लेंगे यहां पर, जैसे दाल, दाल सीन, दस, दाल जमा सीन, यानी दाल को सीन के साथ हमें जमा जोड़ना है। लेकिन दाल चूंकि शरारती नाव है और पहले आ रहा है, इसलिए दाल सीन के साथ नहीं जुड़ेगा, अलग अलग रहेंगे, दाल सीन दस, दाल सीन दस। यहां ख्याल रखिएगा, दाल सीन के साथ नहीं जुड़ा। अगर इसके बाद ऐसे आएगा, इसके बरक्स ये होगा, सीन पहले और दाल बाद में, सीन दाल सद, तो यहाँ पे इस सूरत में क्या होगा, सीन की आधी शक्ल आएगी, दाल इसी के साथ जुड़ेगा, द सीन दाल सद, यानि सीन और दाल, यानि दाल जो है आखिर में आया और ये सीन के साथ जुड़ गया। कहने का मतलब ये है, समझाना मैं ये चाहती हूँ बच्चों आपको, कि शरारती नाव अगर पहले आ जाए तो ये दूसरा जो उसका हर्फ है इसके साथ नहीं जुड़ता है। अगर शरारती नाव आखिर में आ जाए, अगर ये हर्फ आखिर में आ जाए, तो इससे पहले जो हर्फ है उसके साथ ये जुड़ जाते हैं, उसके साथ ये जुड़ जाते हैं। पहले में ये नहीं जुड़ते हैं हर्फ के, लेकिन आखिर में ये हर्फ के जुड़ जाते हैं। ये बात आपको मैं समझाना चाहती थी, उम्मीद है आपको ये समझ गया होगा, ये समझ में आ गया होगा, और ये बात आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, और ये जो मैंने सारा आपको सिखाया है ये आप अच्छी तरह से समझेंगे, सीखेंगे और लिखने और पढ़ने की कोशिश करेंगे, और रोज़ाना इसकी बाकायदा मश्क करेंगे, और अच्छे से प्यार से अपनी कॉपियों पर ये काम करेंगे, दोहराएंगे, और जो आपको वर्कशीट दिए गए हैं उसके मुतलिक, इनके मुतलिक, इनके रिलेटेड जो वर्कशीट दिए गए हैं वो काम आप अच्छी तरह से करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह निगहबान।